घर में कुछ भी कर लो, लेकिन गोलगप्पे हमेशा करारे नहीं बनते, मतलब लंबे टाइम तक वो करारे रहते ही नहीं है, और सारे फूले फूले ऐसे बन जाए वो होना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए स्पेशल टिप्स लेकर आया हूँ, जिससे इस गर्मी में आपके गोलगप्पे खाने का मज़ा ही अलग हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। अब बचपन में अपनी फैमिली के साथ हो या बड़े होकर कॉलेज के दोस्तों के साथ, गोलगप्पों के साथ एक बढ़िया सी मेमोरी सबकी जुड़ी हुई है। लेकिन घर में जब बनाने जाओ तो बिल्कुल भी नहीं बनते हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं स्पेशल गोलगप्पे की रेसिपी लेकर आया हूँ अपनी दादी से चुरा कर, और मैंने इसमें छोटे छोटे अपने पॉइंट्स ऐड करे हैं जिससे कि एकदम परफेक्ट रेसिपी आप घर पर बना पाओ। मैंने गोलगप्पे की रेसिपी बनाई है स्पेशल ऑलिव ऑयल के साथ, यानी कि इंडियन रेसिपी, और वो भी ऑलिव ऑयल के साथ। तो आप एंड तक वीडियो जरूर देखना, एंड में आप सबके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब गोलगप्पे सही बनाने हैं, अगर आटे गोलगप्पे सही बनाने हैं तो सबसे पहले हमें सही सूजी लेनी होगी। जी हाँ, सूजी यहाँ पर क्रिस्पनेस प्रोवाइड करती है। वो जो गोलगप्पे लंबे टाइम तक क्रिस्पी रहेंगे ना, वो इस सूजी की वजह से ही रहेंगे। तो ध्यान रहे, यहाँ पर हमें ये मोटी वाली सूजी लेनी है। गलती से भी फाइन वाली सूजी मत ले लेना यहाँ पर आपने मोटी वाली सूजी लेनी है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा डाला है, और यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा डाला है। मेजरमेंट यहाँ पर आप बिल्कुल एग्जैक्ट लेना, गलती से भी बिल्कुल भी इधर उधर मत कर देना क्वांटिटी को, जो मैंने बताया है वैसे ही लेना। और अगर आपके पास घर में मैदा है तो आप मैदा भी ले सकते हो, मैदे से कलर बेटर आएगा। लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पर आटे का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे पता है आटा तो सबके पास है ही। अब सूजी को फुलाने के लिए आपने यहाँ पर डालना है गर्म पानी। हाँ, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट से गर्म पानी डालना। यहाँ पर आपको उतना गर्म पानी लेना है जितनी आपने सूजी ली है। तो मैंने आधा कप सूजी ली है, तो आधा कप ही गर्म पानी रहेगा। पर ध्यान रहे, गलती से भी ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए इसमें। पानी अगर ज्यादा हुआ तो आपके गोलगप्पे बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। चाहे आप शुरुआत में थोड़ा सा कम गर्म पानी ले लेना, लेकिन पानी का जो मेजरमेंट है उसको गलती से भी ज्यादा मत करना, क्योंकि आटा थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। अगर लूज होगा तो आप गोलगप्पे बना ही नहीं पाओगे। पहले आप चम्मच से मिला देना, और फिर जब हाथों से गरम गरम आटे को छू पाओ तभी उसको अच्छे से मिलाना, और धीरे धीरे करके सारा आटा इसमें जुड़ जाएगा और पूरा एक साथ हो जाएगा। यहाँ पर आपको आटे को ज्यादा मलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पर इस बात का ध्यान आपने जरूर देना है कि इसमें नमक नहीं डालना चाहिए। नमक एक बड़ी अजीब सी चीज करता है। आपने मेरी टिक्की वाली वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने नमक नहीं डाला था। नमक क्या करता है कि वो स्टार्च को पानी एब्जॉर्ब करने से रोकता है, जिससे वो क्रिस्पी रिजल्ट नहीं आ पाता, कई बार वो ढलने लग जाता है। इसलिए नमक यहाँ पर 2 में बिल्कुल भी मत डालना। आप आटा अच्छे से गूंद लेना, एंड में आप हल्का सा इस पे तेल लगाना अपने हाथों में, और उसको मल लेना आटे को, और फिर इसको रेस्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि सूजी फूल पाए और सेट हो पाए। रेस्ट करना बहुत जरूरी है, मिनिमम 15 मिनट के लिए। अब गोलगप्पे का पानी बनाना बहुत आसान है, लेकिन पानी बनाने के लिए आपको 1 कप पुदीना चाहिए, साथ में 1 कप धनिया चाहिए, 2 मिर्ची काफी होंगी, 1 इंच अदरक है, और 2 नींबू। बस आपको मिक्सी में इन सारी चीजों को ट्रांसफर करना है। लेकिन जब भी पुदीना इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें स्पेशली बर्फ डाली जाती है, ताकि वो काला बिल्कुल भी ना हो। आपने देखा होगा बाजार का पानी काला नहीं होता, वो बर्फ का खेल होता है। पुदीने को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। सारी चीजों के साथ साथ आप 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, काला नमक जरूर डालना, साथ साथ 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच मैंने नॉर्मल नमक डाला है, और 1/2 चम्मच के आसपास काली मिर्च। ये सब चीजें डालकर आप इसको ग्राइंड कर लेना अच्छे से। अच्छे से पीसने के बाद आपको एक चटनी सी मिल जाएगी। अब आप इसमें 1 पिंच तक हींग जरूर डालना, हींग डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। और साथ साथ मैंने यहाँ पर खटास के लिए नींबू डाला है। मुझे 1 नींबू कम लग रहा था तो मैंने बाद में 1 नींबू और डाला था, लेकिन इसको भी आप अच्छे से ग्राइंड कर देना, और बस आपका पानी लगभग पूरा तैयार है। अब बाजार जैसा बनाना है तो आपको इस चटनी को स्ट्रेन करना पड़ेगा अच्छे से, और फटाफट से आप इसमें बर्फ जरूर डाल देना, याद है ना वो कलर वाली बात। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर बूंदी डाली है, और ऑब्वियसली ठंडा ठंडा ये पानी बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी मत छोड़ना। एंड दैट्स इट। आप देखो पानी का टेक्सचर कैसा है ना, बिल्कुल बाजार जैसा, और सच में टेस्ट में भी बिल्कुल बाजार जैसा ही होगा। खैर, साथ साथ आलू भी होते हैं। अब मैं आपको ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, मैंने बस आलू को बहुत छोटा छोटा काट लिया है। उसमें बस आप भुना हुआ जीरा पाउडर,
चाट मसाला और मैंने यहाँ पर बूंदी डाल दी है। हम यहाँ पर जल्दी में है क्योंकि छोले भिगाने का और बॉईल करने का टाइम नहीं है, तो आप यहाँ पर भीगी हुई बूंदी भी डाल सकते हो। दैट्स इट, आप सारी चीजों को अच्छे से मिला देना और आलू का मसाला भी तैयार है। अब हम पूड़ी घर पर बना रहे हैं, तो घर पर बनाने की बेस्ट बात ये होती है कि एक तो हमने आटे का इस्तेमाल किया है और दूसरा कि हम बेस्ट से बेस्ट तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ऑलिव एक्टिव ऑयल का। इसमें 20% लेस एब्जॉर्प्शन होता है तेल का, जो कि खाने को काफी लाइट बना देता है क्योंकि इसमें गुडनेस ऑफ ऑलिव ऑयल है। पूड़ियाँ बेलने से पहले आप तेल को गैस पर चढ़ा देना ताकि वो सही टेम्परेचर तक गर्म हो जाए। फटाफट से मैं आपको आटा दिखा देता हूँ। ये देखो आटा थोड़ा सख्त हो गया है ना, अब इसका टेक्सचर देखो आटे का, हल्का सा सख्त है। अगर अभी पूड़ियाँ बेलूंगा तो पूड़ियाँ जो है वो हल्की ड्राई ड्राई रहेगी। तो अब आप इस आटे को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि इसकी पूरी भी सही से बने। तो मैंने अब ये किया कि मैंने गरम गरम तेल लिया है और गरम गरम तेल जो है आटे में मल लिया है थोड़ा सा। अब आप एक इसका पेड़ा लेना और आपने धीरे धीरे करके एक सिलेंडर बनाना है। ध्यान रहे छोटी छोटी आपने लोइयां निकालनी है इस आटे से। तो एक एक करके आप यहाँ पर पहले पेड़ा तोड़ लेना और उसको हल्का सा अपने हाथों में मल कर राउंड कर लेना, इवन कर लेना, ताकि जब आप इसको बेलो तो आपकी पूड़ियाँ एकदम इवनली बेल पाए। और जब आप एक करके सारे पेड़े बना लोगे ना, तो इसमें हल्का सा गरम तेल जरूर लगा देना ताकि ये सूखे बिल्कुल भी नहीं। राज सारा ये है कि ये सूखनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर सूखेंगे तो इनमें क्रैक्स आ जाएंगे, पूड़ियाँ सही से फूल ही नहीं पाएगी। अब इतनी सारी पूड़ियाँ बेल बेल के फ्राई करना आसान तो है नहीं कि हम एक एक बेलें और तले, तेल इतने में इतना गर्म हो जाएगा कि पूड़ियाँ सही से बनेंगी ही नहीं। तो अब आप एक प्लास्टिक शीट लेना और प्लास्टिक शीट के साथ साथ आपको एक गीला कपड़ा चाहिए। बहुत जरूरी पॉइंट है ये, हम एक एक जब पूड़ी बेलेंगे उनको बिछाएंगे और उसको कवर करेंगे ताकि वो सूखे बिल्कुल भी ना। अगर पूड़ी पे कोई परत जम जाएगी तो उसके बहुत चांसेस हैं कि वो सही से नहीं फूलेगी। बस अब आपने बेलन लेना है, हल्का सा तेल लगा होना चाहिए आपकी सरफेस पे। बेलते हुए आपको इस बात का ध्यान देना है कि ज्यादा इनको पतला नहीं बेलना। अगर ज्यादा पतला बेल दोगे तो क्या होगा कि पानी पूड़ियां जो है वो वेट ही नहीं उठा पाएंगी ये, क्योंकि स्टार्च जैसे ही तेल में जाएगा वो पानी रिलीज कर देगा, एकदम पतला हो जाएगा। तो ज्यादा पतला नहीं बेलना और बहुत मोटा भी नहीं बेलना, मीडियम साइज का बेलना। आप देख सकते हो कैसे थिकनेस बहुत मैटर करती है। और हल्का सा बेलन में भी तेल लगा होना चाहिए, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ताकि चिपके बिल्कुल भी ना। और आपने एक पूड़ी की तरह इसको बेलना है। अगर इवन नहीं होगी तो आपकी जो पूड़ियां हैं वो फूलेंगी नहीं। ये देखो बिल्कुल ऐसी आपको चाहिए। अगर इसकी शेप जो है ये डिश शेप होगी तो बहुत चांसेस हैं कि पूरी सही से फूलेगी नहीं, और सही से फूलेगी नहीं तो ऑब्वियसली सही नहीं बनेगी ना। तो आप एक करके ऐसे सारी पूड़ियां प्लास्टिक शीट पर रख देना और उसको फटाफट से कवर कर देना, वो जो गीला जो कपड़ा है उससे कवर कर देना फटाफट से। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात ऑफ द वीडियो। अगर आपने यहाँ पर पूड़ियों को सही से फ्राई नहीं किया तो या तो ये फूलेंगी नहीं, फूलेंगी तो कहीं कई बारी क्रिस्पी नहीं रहेंगी लंबे टाइम तक, कई बारी ऐसा भी हो सकता है कि ये ओवर भी पक जाए। तो मैं आपके इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर कर दूंगा गोलगप्पे बनाने के, कि एकदम परफेक्ट बनकर आएंगे। पहला सिनारियो यानी कि जब आपका तेल तो गर्म हो जाएगा लेकिन आपने गैस को लो टेम्परेचर पे छोड़ दिया है, यानी कि बहुत धीरे टेम्परेचर पे आप इसको फ्राई कर रहे हो, तो जब आप पूड़ी डालोगे तो वो फूल तो जाएगी लेकिन लो पकाने की वजह से आप इसको स्टर करते रहोगे, कलर तो आने नहीं वाला है इस पूड़ी पे। दूसरी बात ये होगी कि ये तेल बहुत ज्यादा पी जाएगी, ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। फ्राई करने की टेक्निक भी सही होनी चाहिए ना, अभी तो पानी पूरी सही बनेगी। आप देख भी सकते हो कि मैं इसमें कितनी देर तक इसको पका रहा हूँ, कलर तो बहुत बढ़िया आया है लेकिन ये बहुत ज्यादा तेल पी चुकी है। दूसरा सिनारियो ये है कि जब आप तेल ठंडा है और आप उसको गर्म करने की कोशिश कर रहे हो, आपने तेल को हाई टेम्परेचर पे छोड़ दिया है, तो तब क्या होगा जब आपका तेल ठंडा होगा और आप पूरी डाल दोगे तो पूरी ऐसी बनेगी, यानी कि पापड़ी बनेगी। उसमें कलर तो आ जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, पकनी तो लग जाएगी लेकिन वो फूलेगी बिल्कुल भी नहीं। और धीरे धीरे करके जैसे आपका तेल गर्म होना शुरू होगा तो पूरी हल्की हल्की फूलनी जरूर शुरू हो जाएगी, आप देख सकते हो, लेकिन ये पूरी सारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं फूली हुई, ऐसी पूरी आपको मिलेंगी। तो ये तरीका भी बिल्कुल गलत है। सही तरीका क्या है फिर पूड़ियां बनाने का कि सारी की सारी पूड़ियां 100% फूल कर आए? सही तरीका ये है दोस्तों कि आपको टेम्परेचर चाहिए थोड़ा ज्यादा गर्म, ऐसा नहीं कि उससे धुआं निकलना चाहिए,
थोड़ा ज्यादा गर्म चाहिए, और फिर जब गर्म हो जाए तेल अच्छे से, आप उसको मीडियम फ्लेम पर कर देना। बहुत जरूरी पॉइंट है, और थोड़ा ज्यादा गर्म है, आप मीडियम फ्लेम पर करोगे, आप जब पूरी डालोगे ऐसी फूल कर आएगी, यानी कि पूरी जान लगाकर फूलेगी वो, और बहुत जल्दी पक जाएगी, बहुत टाइम नहीं लगाएगी। अब ये देखो परफेक्टली फूली है ना पूरी, और जब इसको सूखने के लिए रखेंगे तो बहुत तेल भी नहीं पिएगी। अब जब आपका टेम्परेचर सही होगा ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें कितनी पूड़ियाँ डालो। मैंने जैसे यहाँ पर दो पूड़ी डाली है, डालते ही आप करछी से इनको हल्का सा प्रेस करना और घुमा देना। पर दो पूड़ियों से हमारा काम थोड़ी होगा, अगर हमारा यही काम होता पूड़ियाँ बनाने का, तो दो थोड़ी फुलाते, एक साथ चार पांच फुलाते ना। तो चलो दो और डाल दे, तब भी आप देखो सारी फूल गई है। और आप खुद ही देख सकते हो जल्दी बन गई है और एकदम क्रिस्पी है, चाहे अभी गरम गरम। चलो मैं आपको अभी और भी संतुष्टि के लिए दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर अब 6 पूरी डाली लगातार, क्योंकि टेम्परेचर एकदम सही है, वो सही से पक रही है और एक एक पूरी फूल रही है। यही बेस्ट बात है दोस्तों। और आप खुद ही देख सकते हो कि एग्जैक्ट तलने के बाद भी पूड़ियाँ एकदम क्रिस्पी, यही तो बढ़िया बात है, ऐसी ही तो होनी चाहिए गोलगप्पे। ऐसे फ्राई करोगे तो सारी फूलेंगी और इवनली पकेंगी। दोस्तों मैं आपको ये बात ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं एकदम अभी फ्राई किया और फिर वो दिखा रहा हूँ कि देखो कितनी क्रिस्पी है। ये पूड़ियाँ मैंने लगभग 1 हफ्ते के लिए फ्राई करके छोड़ दी थी, सीरियसली 1 हफ्ते के लिए फ्राई करके छोड़ दी थी, लेकिन 1 हफ्ते बाद भी अब ये देखो सारी की सारी पूड़ियाँ इतनी क्रिस्पी है ना, बहुत बढ़िया। गोलगप्पे की पूड़ी तभी सही बनी है जब उसमें आप सामान डालो और पानी डालो ना, तो वो सौगी नहीं होनी चाहिए, वो उसका वेट बहुत आराम से उठा लेनी चाहिए, और यही गोलगप्पे की सही बात है। तभी मैं आपको कह रहा था बहुत पतला मत बेलना, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है इनकी परत। आप देखो कितने आराम से हर एक गोलगप्पा आराम से वेट उठा रहा है, चाहे वो आलू का हो चाहे वो पानी का हो, और लीक नहीं कर रहा, यही बेस्ट बात होती है दोस्तों, है ना, बहुत बढ़िया। एक मिनट जाने से पहले, अगर आपके पास भी कोई स्पेशल रेसिपी है अपनी दादी माँ की या नानी माँ की, और आप उसको सबके साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप भी जा सकते हो अभी olive.in/bharatskitchen पे, मैंने नीचे लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर अपनी रेसिपी शेयर कर सकते हो और जीत सकते हो कुछ स्पेशल गिफ्ट हैम्पर्स ऑलिव ऑयल की तरफ से।